हेलो गाइस, मेरा नाम धीरज मास्ता है और मैं एक एबल सीमैन हूँ। ये मेरा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है और करंटली मैं एक टैंकर पर सेल कर रहा हूँ। इससे पहले एक मैंने बल्क कैरियर भी किया है। इस चैनल के थ्रू जो न्यू कमर्स हैं, जो जीपी रेटिंग का कोर्स करके आना चाहते हैं शिप पर, और जो डीएनएस या बीएससी करके आना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और उनको अपना लाइफस्टाइल दिखाना चाहता हूँ, ऑनबोर्ड कैसा रहता है और वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो लोग अपना फर्स्ट शिप ज्वाइन करेंगे। तो आज मैं आपको अपना नेविगेशन ब्रिज का टूर दूंगा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ माई ब्रिज और इसका टूर जो रहेगा बहुत ही छोटा टूर रहेगा। मैं ज़्यादा आपको इक्विपमेंट्स के बीच में जाके कुछ बताऊंगा नहीं, जस्ट आई विल टेल यू, एक ओवरव्यू दे दूंगा सारे इक्विपमेंट्स का कि क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं। ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है, इससे पहले जो मैंने शिप करे हैं उन पे थोड़ा छोटा ब्रिज था, बट दिस वन इज़ गुड। और इसका बिल्ड जो है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस शिप्स, सो आई लाइक दिस वन। इंटेग्रेटेड पूरा है सब कुछ, यू कैन बहुत ईजीली एक्सेसिबल है, इतने ही एरिया में यू कैन फाइंड एवरी थिंग वट एवर यू नीड। सो विल स्टार्ट विद द स्टेयरिंग व्हील, यहाँ से हम लोग स्टेयरिंग करेंगे एंड यू हैव द जायरो रिपीटर, मैग्नेटिक कंपस, यू कैन सी द हेडिंग इन द मैग्नेटिक कंपस एंड दिस इज आवर मास्टर एग्डिस, दिस इज एक्स बैंड रेडार, एस बैंड रेडार एंड दैट अदर स्क्रीन यू कैन सी दैट इज ऑल्सो एस बैंड रेडार रिपीटर, दैट वन इज बैकअप एग्डिस। यहाँ से हम अपनी सारी नेविगेशन लाइट्स जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। दिस हेयर इज़ कॉल्ड टेलीग्राफ। हम लोगों को जब कभी भी हेड मोशन देना है शिप को या स्टर्न मोशन देना है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंजन रूम में भी सेम ऐसा ही टेलीग्राफ होता है, सो दे विल ऑल्सो गेट अलार्म कि हम लोगों ने कुछ यहाँ से मोशन चेंज किया है, सो दे विल फॉलो एंड देन दे विल गिव ऑर्डर टू द इंजन। This is the wind velocity and direction indicator. This is rate of turn indicator, जिसको हम रोटी भी कहते हैं, ROTI. अभी हम लोग जेटी में हैं और डिस्चार्जिंग चल रही है सीयूसी। मेरा अभी ऑफ टाइम है, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो। अगर हमें डेक लाइट्स ऑन करनी है तो हम लोग यहाँ से ऑन करते हैं। ये पूरा पैनल जो है वो डेक लाइट्स के लिए है। ये वाली चेयर और ये वाली चेयर कैप्टन के लिए, बेसिकली मास्टर और पायलट दोनों के लिए, ऑफिसर्स भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये हमारा रेडियो स्टेशन है, दिस इज़ आवर रेडियो स्टेशन। ये हमारा जीपीएस और नेव टेक्स्ट, नेविगेशनल वार्निंग टेक्स्ट इसमें आता है। ये हमारा रडर एंगल है सर, देखो अभी पोर्ट में दिया जा रहा है, सो वी नो कि यहाँ से रात में इसको आराम से देखना बहुत ईजी रहता है, लाइट ऑन हो जाती है इसमें। ये है क्लिनोमीटर जिससे हम लोग शिप की जो है लिस्ट चेक कर सकते हैं कि पोर्ट साइड है या स्टारबोर्ड साइड है। ये है बैरोमीटर, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमें हर 4 घंटे में जो है रीडिंग्स लेनी होती है। एवरी वॉच वी हैव टू टेक द रीडिंग्स कि कितना प्रेशर डिफरेंस हुआ है एंड वी हैव टू मेंटेन अ लॉग ऑफ इट। और ये हमारा इको साउंडर है, उसका इको साउंडर का प्रिंटर है, सो अंडर कील कितना क्लियरेंस है, कितनी डेप्थ है, वी विल गेट टू नो फ्रॉम दिस। एंड हेयर वी हैव आवर AIS, सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी गाय नो AIS, ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि हमारा शिप का स्टैटिक और डायनेमिक इन्फॉर्मेशन दूसरी शिप्स को भेजता है और उधर से दूसरी शिप से भी सेम उनका डायनेमिक और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव होता है। और यहाँ पर हमारे सारे कोडेक्स फ्लैग्स हैं, ये AB की ड्यूटी रहेगी, फ्लैग हॉइस्ट करना ज़रूरी नहीं है, वैसे कैडेट भी करते हैं। यहाँ पे सारे फ्लैग्स हैं जो सिग्नल देने के लिए काम आएंगे एंड लोग हर कंट्री, जिस कंट्री में जाते हैं उसका फ्लैग वाइज करना पड़ता है, सो दीज आर द कंट्री फ्लैग्स। यहाँ पर लाइफ जैकेट और पायरोटेक्निक्स हैं, वो मैं आपको मे बी किसी अदर एपिसोड में दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना कितना प्रोडक्ट्स है, क्या क्या सामान है। शिप का कुछ पेपर वर्क है और वैसे तो हमारे शिप पे जो सारी पब्लिकेशंस हैं वो डिजिटल पब्लिकेशंस हैं, बट स्टिल कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट है जो हमें शिप पर रखनी है वो हम एज अ पेपर वी स्टिल कीप।